दोस्तों, ये होम थिएटर का किट मेरे दोस्त ने रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ये सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर होम थिएटर में अचानक से चलते चलते धुआं सा उठने लगा और अचानक से स्पीकर से ज़ोर से हमिंग की आवाज़, जो बेस का रहता है उसमें से हमिंग की आवाज़ आई और कुछ देर बाद धुआं उठने लगा था। इसमें देखिए AC बीच की जली हुई है, तो उसने बोला यार AC चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो अच्छी बात है, वैसे देख लेना क्योंकि उस बंदे ने 2-3 बार ऑलरेडी AC इसकी चेंज करी है और बार बार जल जा रही है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। अभी क्यों जलती है, देखिए एक ही AC जल रही है, अदर भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं, इसके भी कारण हो सकते हैं, इसलिए आपको मैं सबसे पहले यही चीज़ें बताऊँगा। देखिए वीडियो पर नए हैं या फिर चैनल पर नए हैं तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी जो सीखने लायक होंगी वो ज़रूर आपको मिलते रहेंगी, ताकि आप लोग बेसिक लेवल से सीख सकें। देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी ये चीज़ है कि भाई एक ही AC क्यों चली। देखिए सबसे पहले तो ये बात आ जाती है कि भाई AC आप कौन सी लगा रहे हैं। AC बहुत टाइप की हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इस बोर्ड में जो लगती है 20-30 नंबर की AC होती है। अब 20-30 भी बहुत प्रकार की आती हैं, D20-30 और जैसे कि ST की आती है, एक ट्रायंगल वाली भी आती है और भी बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से कुछ लोकल भी हैं। सबसे ज़्यादा आपको बताऊँ तो 80% AC आजकल मार्केट में लोकल आने लग गई हैं, जो लोड बिल्कुल नहीं सहन कर पाती हैं। उसमें से आप लगाएंगे, आधा एक घंटा चलेगी, उसके बाद दोबारा से वह ख़राब हो जाएगा। इसके यही कारण है कि सबसे पहला जो है आपका जो AC आप फिक्स कर रहे हैं वो ओरिजिनल होनी ज़रूरी है, और दूसरी बात है आप जो इसमें ट्रांसफॉर्मर लगा रहे हैं उसमें से एक्यूरेट आपको वोल्टेज आउटपुट दे रहा है ये ज़रूर देख लेना। ट्रांसफॉर्मर जो AC आउटपुट दे रहा है उसमें आप अपने, देखिए अभी मेरे पास सिस्टम तो अवेलेबल है नहीं, सिर्फ किट ही रिपेयर के लिए आया है, तो आपको मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक ट्रांसफॉर्मर मैंने यहाँ पर ले लिया है, असल में ये 12-0 का है, लेकिन 12-0-12 का इसमें लगता है। उसमें से आपकी 3 वायर आउटपुट होती हैं, बीच की जो वायर होती है उसके साथ 12-0-12 और 0-12 दोनों का आप चेक कर लीजिए। लगभग जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें से एक्यूरेट 12 वोल्ट आपका आउटपुट मिलना चाहिए। अगर जरा सी भी 13-14-15 वोल्ट आपको आउटपुट मिल रहा है, समझ लीजिए ट्रांसफॉर्मर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर बात आती है अदर्स में क्या प्रॉब्लम और हो सकती है। देखिए कभी कभी मेरे पास कमेंट्स आती कि सर हमारा सिस्टम लोड नहीं उठा पा रहा। देखिए हम उसको थोड़ा सा बेस या वॉल्यूम फुल करते हैं तो अचानक से बंद हो जाता है, फिर से ऑन हो जाता है। ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा होता है इन कैपेसिटर के वीक हो जाने की वजह से, और उससे बड़ा कारण होता है ट्रांसफॉर्मर से कम वोल्टेज आउटपुट होना। ये दो कारण होते हैं आपका सिस्टम का लोड ना उठा रहा। बाकी ये जो AC बर्न होने की प्रॉब्लम है ये आपका ट्रांसफॉर्मर ज़्यादा आउटपुट दे रहा हो नंबर एक, और दूसरा आपका AC लोकल कंपनी का हो नंबर दो। बाकी इसका ऐसा अदर कोई कारण नहीं होता। जो 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 दो मेन कारण होते हैं वो आपके साथ मैंने शेयर कर लिए हैं। और दूसरी बात है ये जो है आपके जो डायोड हैं इनको भी आप एक बार चेंज कर लेना। आपका जो AC का ओरिजिनल डालने के बाद भी ऐसा दिक्कत कर रहा है, तो ये पूरे आप AC सेक्शन के AC से DC कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ें लगा के रखी हुई हैं, डायोड और कैपेसिटर, इनको भी चेंज कर लेना अपना डाउट क्लियर करने के लिए। बाकी आपको बता दिया AC आप ओरिजिनल वाली डाल दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। और इसके साथ फिजिकली रूप से एक बार आप जो भी आप चीज़ रिपेयर कर रहे हैं उसको फिजिकली आपने देखना होगा। जैसे कि यहाँ पर अचानक से मेरी जो नज़र पड़ रही है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हल्का सा काली हो रखी है, अभी क्लियर नहीं है, अब इसको चेक करूँगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर काली हो गई हो तो उसके उससे और प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो जली हुई है इससे और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इससे भी हम चेक कर लेंगे, और इसकी जगह पे जो नई रेजिस्टेंस होगी उसकी जो रिप्लेसमेंट हो उसकी वैल्यू होगी वो हम डाल देंगे। अभी हमने इस AC को बाहर निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर बीच वाले जो आपका पॉइंट्स हैं उस पर आप चाहें तो थोड़ा सा पेस्ट लगा सकते हैं, वैसे आपकी मर्ज़ी है, नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। डिसोल्डर करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपके पास अगर डिसोल्डर वायर हो तो डिसोल्डर विक भी कहते हैं वो भी हो तो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मेरे वाले तरीके से। मैं बहुत सारे तरीक़ों से डिसोल्डर करता हूँ, इसमें थोड़ा सा आपका सोल्डरिंग पेस्ट ज़्यादा लगेगा, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये डिसोल्डर AC हो चुकी है और शायद से नीचे हाँ आ चुकी है, अब इस तरीके से भी आप डिसोल्डर कर सकते हैं। एक चिमटी लेनी पड़ेगी और चिमटी से हम AC को थोड़ा सा नीचे को धकेलेंगे और ये आसानी से आपका निकल जाएगी। एक मिनट, पूरा ग्रिप बना लेता हूँ और इस तरीके से उसको मैं खींचूँगा और AC हमारी निकल चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसको हमने क्लीन करना पड़ेगा, आप चाहें तो ऐसे भी क्लीन कर लीजिए, वरना डिसोल्डर विक की मदद से भी आप क्लीन कर सकते हैं।
या फिर पंप की मदद से भी आप क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से। वैसे पंप का ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ मैं, अगर आप करते हैं तो अगर आपके हाथ में पंप अच्छा सेट होता है या फिर पंप से अच्छा काम होता है तो आप पंप की मदद भी ले सकते हैं। ज़्यादातर मैं पंप का इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी टेक्निक हैं डिसोल्डर करने की, अगर आप उन्हें सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, एक आईसी के ख़राब होने का एक बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण, वो तो आपके साथ शेयर करना भूल गया, वो ये है आपके जो स्पीकर के जो आउटपुट के दो वायर हैं, यानी कि यहाँ पर स्पीकर का कनेक्टर यहाँ पर लगता है, आउटपुट लिखा हुआ है तो स्पीकर का कनेक्टर यहाँ पर लगता है, अगर स्पीकर के प्लस माइनस वायर ग्राउंड के साथ अगर कोई भी स्पीकर का लेफ्ट या राइट का वायर अगर जुड़ जाता है तो समझ लीजिए आपकी आईसी डेफिनेटली ख़राब होगी। काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज होती नहीं है, स्पीकर के अगर वायर कट जाते हैं तो वैसे ही टेपिंग कर देते हैं आपस में, होता क्या है भाई भाई स्पीकर के वायर अगर आपस में जुड़ जाए तो समझ लीजिए आपका आईसी पे लोड पड़ेगा और आईसी क्या होगी, ख़राब हो जाएगी, तुरंत जल के ख़राब हो जाएगी। और इसका यही कारण मेरे को लग रहा है कि यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए आईसी की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ लेग जो आईसी की होती है वो होती है स्पीकर आउटपुट की। देखिए फोर्थ लेग को मैं ट्रैक करके आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए आईसी की, ये फर्स्ट, ये है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये फोर्थ लेग, इसको हम ट्रैक करेंगे। ये देखिए ये जो प्रिंट जा रहा है, एक मिनट आपको क्लियर दिखाऊं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको ट्रैक कर सकते हैं या फिर अपना जो होम थिएटर का बोर्ड है उसमें कर सकते हैं। देखिए फोर्थ लेग यहाँ पर जा रहा है, यहाँ से जा रहा है ये स्पीकर के कनेक्टर में, ये स्पीकर का कनेक्टर आउटपुट यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए। और दूसरी आईसी, ये जो ये तो है बेस की आईसी, ये बेस को कंट्रोल कर रही है, तो ये बेस के कनेक्टर पे जाएगी, इसकी चौथी लेग, ये देखिए बेस के कनेक्टर पे जा रही है, ये आपका बेस का कनेक्टर है, और बाकी दूसरी आईसी की जो चौथी लेग है देखिए इस कनेक्टर पे जा रही है, एक लेफ्ट को संभाल रही है, एक राइट को संभाल रही है और एक बेस को संभाल रही है, तो इसकी चौथी लेग जो है स्पीकर के आउटपुट में जा रही है। और मैंने ज़्यादा गौर किया तो इसकी देखिए चौथी लेग ही जली हुई है, जैसे कि आईसी में दिखाऊँ आपको, इसकी देखिए चौथी पाँचवीं लेग इसकी जली हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए 1 2 3 4 फोर एंड फाइव लेग इसकी जली हुई है, तो इसका मतलब ये भी कारण हो सकता है कि जो स्पीकर के वायर हैं वो आपस में जॉइंट होने की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आ चुकी होगी। यहाँ पर मेरे पास 20-30 जो आईसी हैं दो टाइप की हैं, यहाँ पर देखिए वैसे तो ये ओरिजिनल है ऐसा मेरे को बताया गया था दुकानदार ने, लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च करी, मुझे डाउट हुआ इसमें भी, ये तो मुझे ओरिजिनल लगी। देखिए एक और मेरे को ओरिजिनल और जो लोकल आईसी है उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस और लगा, इसकी जो लेग होती है, अगर ओरिजिनल आईसी हो तो उसकी लेग थोड़ा सा आपको मजबूत मिलती है और लोकल आईसी की जो लेग है वो आपको कमज़ोर मिलती है। वैसे इसकी दोनों लेग, मतलब दोनों आईसी की लेग काफ़ी हार्ड है जैसे कि ओरिजिनल आईसी पे होती है, लेकिन मैंने कुछ होम थिएटर ऑलरेडी इस बहुत सारे रिपेयर किए जिसमें इन आईसी को लगाया था, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ट्रायल बेस पे लिया था। और देखिए जब मैं ट्रायल बेस पे लेता हूँ कोई चीज़ तो उसके चार्जेज मैं कम कर लेता हूँ, जैसे आईसी मुझे जितने रुपये का पड़ता है बस उसी का मैं चार्ज लेता हूँ, बाकी अपना रिपेयरिंग का चार्ज नहीं लेता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है अगर ट्रायल बेस पर अगर वो ख़राब भी हो जाती है तो कस्टमर जो आपका कस्टमर होगा उसको आपने ऑलरेडी बता के रखा भाई ये ट्रायल बेस पर है, वो ज़्यादा वो नहीं करता आपके साथ बंगा वंगा नहीं करता, इसलिए मैं हमेशा कोई भी चीज़ नई परचेस करता हूँ तो ट्रायल बेस पे लेता हूँ। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल मेरी आईसी निकली, तो इनमें से कोई भी मैं यहाँ पर फिक्स कर लूँगा, तो यहाँ पर इसी को मैं फिक्स करूँगा D2030, ठीक है। देखिए और बहुत सारे लोग मेरे को ये कमेंट करते कि सर 2030 जो आईसी होती है हम कौन सी लगाएं, देखिए 2030 कोई सी भी हो लगा लो, आपकी कोई सी भी हो कंपनी का, हाँ मैं सिर्फ कंपनी की बात कर रहा हूँ, लोकल या फिर ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कंपनी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी कंपनियाँ 2030 आईसी को बना रही हैं, जो भी आपको ओरिजिनल लगे किसी भी कंपनी उठा के डाल दो, बस 2030 लिखा होना चाहिए इतना हमेशा याद रखना। तो मैं इसी को यहाँ पर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँगा, हीट सिंक कंपाउंड अगर आपके पास नहीं हो तो इसी का भी फिक्स करके डाल देना, तो यहाँ पर हीट सिंक कंपाउंड लगाना ज़रूरी है, इससे ये रहेगा कि आपकी जो आईसी हीट करती है उसकी हीट प्रॉपरली आपके हीट सिंक तक पहुँच सके, तो इससे क्या होगा ना आईसी ओवर हीट भी होती रहेगी तो आपका जो है हीट सिंक को उसे मैनेज कर लेगा, उसकी हीट को अपने ओवर को खींच लेगा और आईसी को ओवर हीट होने से बचाएगा। और हीट सिंक कंपाउंड जो होता है हीट सिंक और आईसी के बीच के मतलब संबंधों को अच्छा बनाता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि आईसी और हीट सिंक तक हीट प्रॉपरली पहुंच सके, वो हीट सिंक कंपाउंड इसकी हेल्प करता है। थोड़ा सा मैं समझाने में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो गया, सॉरी, बट कोशिश अच्छी की थी।
अब यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरीके से कस लूँगा, इसको कसना ज़रूरी है, ढीला छोड़ दें तो होगा क्या भाई, हीट प्रॉपरली आपकी हीट सिंक तक नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से कस लेना है। इतना भी नहीं कि यार आप मेटल पिचका दें, तो बस नॉर्मली जितना ये कसना चाहिए बिल्कुल उतना। अब यहाँ पे से हम सोल्डरिंग करके एक्स्ट्रा लेग में जरा इसकी कट कर लूँ, उसके बाद इसकी सोल्डरिंग हम कर लेंगे। आप चाहे तो सोल्डरिंग के बाद भी कट कर सकते हैं, चाहे तो सोल्डरिंग के पहले भी कट कर सकते हैं, अपना अपना तरीका है। अब थोड़ा सा इसमें पेस्ट अप्लाई कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का इसमें लगा लीजिए बस। तो अब इसमें सोल्डरिंग हम कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा फैल गया, रायता फैल गया, इसको हम हटा के दूसरे में फिक्स कर लेंगे। ज़्यादा हो रहा हो तो ध्यान रखिए कि दूसरे में ना लगे, बस ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फैल गया। चलिए इसमें ढीला कर लेता हूँ, अभी परफेक्ट हो चुका है। चलिए थोड़ा सा इसमें इसको क्लीन कर देता हूँ बोर्ड को, तो फाइनल ये क्लीन हो चुका है। आप चाहे तो पेट्रोल या फिर क्लीनर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास क्लीनर है, चलिए उसकी मदद से थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। उससे क्या है कि आपका जो यहाँ पर कार्बन वगैरह लग जाता है वो क्लियर हो जाता है, और आपका पीसी भी थोड़ा साइन करने लग जाता है, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर ये रिपेयर हुआ है। ऑलरेडी ये रिपेयर होकर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पता चल जाए, भाई एक बार रिपेयर हो जाता है तो पता चल जाएगा, क्योंकि कोई नौसिखिया बंदा अगर बनाता है तो वहाँ पर कुछ निशान छोड़ देता है। तो वैसा ही इसमें मैंने देखते ही बता कर दिया कि ये ऑलरेडी रिपेयर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंपनी जब भी आपको ऐसी लगा के देती है बिल्कुल सेम नंबर के लगा के देती है, सेम कंपनी के नंबर तो सेम ही रहेगा, कंपनी सेम। इसमें ये ऐसी अलग कंपनी की है और ये ऐसी अलग कंपनी की है, तो यहाँ पर तभी मेरे को पता चला ये रिपेयर हुआ है। देखिए अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस यहाँ पर ख़राब हुई थी यानी कि जली हुई थी, इसको मैं निकाल के इसकी वैल्यू चेक करूँगा। पहले चलिए बोर्ड पर लगे लगे एक बार चेक कर लूँ, क्योंकि बोर्ड पर लगे लगे कभी कभी भी होता ना एक्यूरेट पता नहीं चल पाता, फिर भी हम पता कर लेते हैं। वैसे जली है एक्यूरेट, चलिए तसल्ली अपनी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, चेक कर लें तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा, चलिए बढ़ाते हैं 200 किलो ओम्स पे रखते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा, चलिए बढ़ाते हैं 2 मेगा ओम पे रखते हैं, तो यहाँ पर ये 1.855, ये डेढ़ सॉरी 1.8 मेगा ओम्स के समथिंग बता रहा है, इतना मुझे लग तो नहीं रहा इतना मेगा ओम्स तक की जाएगी। फिर भी इसे निकाल के मैं इसके जो कलर बैंड्स हैं उनको पहचान के यहाँ पर देखता हूँ कि क्या ये उतने ही वैल्यू का है या फिर थोड़ा सा अलग है। दोस्तों यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को मैंने निकाल तो लिया है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पर जैसे कि इस आईसी के यहाँ पर सॉरी इस आईसी के जस्ट यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा है, अगर मैं उसको उसकी वैल्यू इस हिसाब से चेक करो, जैसे कि जस्ट ये देखिए पीएफ के बगल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू आपका 270 ओम्स के लगभग जा रही है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस के बगल में लगी हुई है वो 270 ओम्स की है। और यहाँ पर इस ये जो पीएफ के जस्ट बगल में है इसकी भी वैल्यू लगभग उतनी ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट बैंड मुझे ऑरेंज लग रहा है, हो सकता है रेड रहा हो और जलने के बाद थोड़ा सा उसमें कलर उसका थोड़ा सा जल के ऑरेंज हो गया हो, फिर भी थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्यूरेट इसका वैल्यू जो रहेगा आपका 270 से 370 ओम्स के लगभग जा रहा है, तो यहाँ पर एक्यूरेट आपको बताऊँ तो सेम आप 300 जस्ट ये जो पीएफ आपका दे रखा है इसके जस्ट बगल में आप देखिए बिल्कुल वही वैल्यू, अगर मैं उसके प्रिंट को ट्रैक करता हूँ तो बिल्कुल वही ट्रैक वैसा ही वहाँ पर भी बन रहा है, यानी कि दोनों आईसी के जो बगल में यही रेजिस्टेंस उस तरफ भी लगा हुआ है तो दोनों का ट्रैक एक ही बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल कैलकुलेट किया तो लगभग वही कुछ ओम्स का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट वाले इसके जो कलर बैंड है इसको मैं अभी ऑरेंज मानूँ तो लगभग 270 या 80 ओम्स के लगभग आ रहा है इसका कैलकुलेशन, अगर मैं इसको रेड मानूँ तो 370 ओम्स के लगभग आ रहा है, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा इसमें 370 ओम्स के लगभग का, यानी कि जो रेजिस्टेंस इस जगह पे पीएफ के जस्ट बगल में लगा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आप इधर पे डाल दो, यानी कि 370 ओम्स की ओम्स नहीं है ओम्स, ठीक है 370 ओम्स के लगभग आप डाल दो, बिल्कुल निश्चिंत होकर डाल दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है पीएफ के जस्ट बगल में बिल्कुल वही इस आईसी के लिए भी यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि दोनों का एक ही काम है, तो यहाँ पर वही आपने डाल देना है। दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमारे पास है, चलिए इसको ही मैं लगा लूँगा,
और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जली हुई है उसका कलर यानी कि उसका जो बेस कलर है वो अलग है, इसका अलग है, ये आप बिल्कुल भी चिंता छोड़ दीजिए। उसका कलर कुछ भी हो, आपको इसके कलर बैंड से मतलब है, आप उनको डाल दीजिए। हाँ, गलती से आप इंडक्टर में डाल दीजिए, काफ़ी सारे लोग रेजिस्टेंस और इंडक्टर में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि एक इसी टाइप का एक इंडक्टर कॉइल भी आता है, उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया, उसको भी देख लेना, ताकि आप लोग अगर नए हो तो सीखने में आपको थोड़ा सा आसानी रहे। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको जल्दी से फिक्स उस जगह पर कर लेता हूँ। तो फाइनली इस रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पर आपको मैंने क्लियरली बता दिया 270 से 370 ओम्स के समथिंग का रेजिस्टेंस लगेगा, वैसे मैंने यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू का ही डाल दिया है, तो आप भी ऐसे कीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर सेम जो यहाँ पर लगा हुआ है ना, बिल्कुल वैसे इसमें भी ये वाला भी लगना है, क्योंकि दोनों का जो है ट्रैक मैंने फाइंड किया तो बिल्कुल सेम एक ही जगह पर यहाँ पर बन रहा है, यानी कि एक ही जो जिस काम के लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये पीएफ लगा हुआ है, बिल्कुल उसी काम के लिए ये भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं इसको फाइंड करके ही आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। और दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से बन के हमारा तैयार हो चुका है। अभी होम थिएटर मेरे पास है नहीं, वरना मैं दिखाते हैं, किसी दिन मौका मिला तो ज़रूर आपको उसका एक क्लिप में ज़रूर मैं किसी शॉर्ट्स वगैरह में डाल के आपको दिखा दूँगा। बाकी अब जो मैंने आपको बताया आईसी ख़राब क्यों होता है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि वो जो आपको स्टेप्स मैंने बताए थे, आईसी अगर आपकी ओरिजिनल है फिर भी ख़राब हो रही तो वो आपने और चीज़ें देखनी, जैसे कि आपका स्पीकर के वायर शॉर्ट तो नहीं है, और दूसरा ट्रांसफॉर्मर आउटपुट जो कर रहा है ज़्यादा तो नहीं कर रहा, इसलिए इन सब चीज़ों में गौर करके ही आप आईसी को डालिएगा, वरना अगर ये चीज़ आपने चेक नहीं करी तो बार बार आईसी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, पसंद आए तो लाइक कर देना और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।